तो मैं तो थोड़ी सी विधि चल रही है और मलाइका दिखाना था ना कैसी लग रही हो। तो क्या बना रही है मम्मा? बेटा मैं मेथी। मेथी बना रही है? तो भाई मेथी बन रही है खाने में और खाना शाना खाते हैं। क्या हुआ सकीना? सकीन को फौरन मजाक सूझ जाता है और मैं दो दिन से तबीयत खराब थी मेरी। मैं प्रॉमिस किया था डेली व्लॉग्स करूंगा कि मैं बीच में गैप आ गया कर नहीं पाया, लेकिन अब हम जा रहे हैं कहीं तो इसके साथ ही हम करते हैं वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बहुत सारी नई नई फिशेस आ गई है और बच्चों को बहुत मछलियाँ पसंद है। नियॉन कलर में बहुत सारी फिश आप देख सकते हैं, येलो नियॉन, पिंक नियॉन, पर्पल नियॉन, ग्रीन, तो मतलब ये नियॉन्स कलर है, बाकी और भी हैं। और मज़ीद हम फिश लेके आते रहेंगे क्योंकि हमारे घर में बच्चे बहुत हैं जिनको मछलियाँ बहुत पसंद है, तो इस वजह से हम लोग फिश लेके रखते हैं। और आपको दिखाऊँगा हम कहाँ जा रहे हैं, वो तो सस्पेंस है क्योंकि आज भी हम कहीं जा रहे हैं। शिट। और सकीना अच्छी बेटियों की तरह अपनी मम्मा की हेल्प करते हुए बर्तन धोते हुए, सकीना गुड, आई अप्रिशिएट यू। सकीना एक अच्छी बेटी का किरदार अदा कर रही है हमारे घर पे। तो गाइस अब ढूंढने चलते हैं, कपड़े निकालते हैं और इन लोगों को भी बोलता हूँ रेडी हो, चलो जल्दी। हाँ नहीं दिखा रहा कबर्ड मम्मा, मम्मा असल में पता है कल भी मुझे बहुत दो दिन ढूंढने के लिए पूरे कपड़े अपने साइन मुझे नहीं, कोई बेदार नहीं है मासी, मम्मा कितना सपोर्ट करती है मुझे। जो अच्छी शर्ट होती है जो मुझे पहननी होती है मम्मा क्या करती है वो बिल्कुल पीछे रखती है, बिल्कुल पीछे वाली शर्ट को ढूंढने के लिए आगे। अब कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे थोड़ी बता दो उस वक्त आपको कौन सी अच्छी लग रही है। अभी यही तुम मैंने जैसे मुझे निकालनी होती है, मैं ढूंढने जा रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी देख लूंगा देख लूंगा। मम्मा मेरी कपड़े में फिर किसी ने मैले कपड़े डालेंगे, ये देखें यार मैले? हाँ मैले कपड़े डालेंगे इसमें। कैसे डालेंगे? तो आप वहीं पर ही उतारते चले गए इन दोनों में से किसी ने डाले, मम्मा अब क्या करें यार। सकीना ये मैले डाले? कपड़े क्यों डाले बेटा भाई की कपड़े में? मैंने नहीं डाले। तुमने ही डाले हैं बेटा? मम्मा इस नहीं आपने ही डाले, मैं क्यों डालूंगी? मम्मा इससे पहले भी दो दफा लास्ट वार्निंग दे चुका हूं, मम्मा कहीं जाना होता है तो क्या पड़ेगी? क्या हाँ कर दो, छोड़ दो, तो सारे मसले मेरे ऊपर आगे खत्म होते हैं। बात मम्मा बात वो नहीं है यार, मम्मा लास्ट वार्निंग है ये। बेटा ये गलत है ना, आप देखा करो कपड़े मैले हैं, धुले हुए हैं, क्या है? हां क्या अच्छा करते हैं, इधर-उधर फेंक के कपड़े, इधर उधर नहीं फेंकता मम्मा। नहीं मम्मा मैले कपड़े मेरे अलग रखे हुए होते हैं, जिम के कपड़े। एक बात है, आपके कपड़े जगह जगह पड़े हुए होते हैं, घर में आपने ही बिखेरा किया हुआ है सारा। यहाँ पे अलग कपड़े, स्टोर में अलग कपड़े, वहाँ अलग पड़े हुए, बाथरूम में अलग है। कंट्रोल कंट्रोल, एक स्टोर में एक बैग अलग, और कराची में अलग कपड़े। नहीं मम्मा आपके कपड़े बहुत है और आपको आइडिया नहीं है कौन से मेले कौन से धुले हुए। जिम के कपड़े अलग रखता हूँ, बाहर के अलग होते हैं, रात को सोने के अलग होते हैं। गाइस इसको अच्छा तो अलग रखने की जगह तो बताएं, बेड की बाउंड्री के ऊपर अलग कपड़े होंगे, बाथरूम की खिड़की पर अलग कपड़े होंगे। मम्मा अब ये बदतमीजी कर रही है, तरीकाकार सही नहीं है भाई से बात करने का। अरे मैंने तो कुछ रखा है नहीं, आपको ख्याल रखना चाहिए, दोनों बहनें हो, दोनों बहनें ख्याल रखो एक भाई का। एग्जैक्टली यस, क्या बोल रही हो? कौन सा ये वाले नाम की तरह मम्मा साइड ले रही है ना भाई का, मम्मा मेरे बन जाओ। गाइस मेरे बन जाओ में ना वो एक लड़का होता है, कौन सा ड्रामा मेरे बन जाओ, पता नहीं कौन सा ड्रामा, क्या ड्रामा ना होता है, मैं को नहीं करना, को नहीं करना, को नहीं करना ना भाई ने तो बोलता है, तो उसकी अम्मा बिल्कुल ना अपने बेटे की साइड लेती थी हर बात पे, हर बात पे अपने बेटे की साइड लेती थी। बेटा वो सही होता तो वो कैसे क्या मतलब क्या करता है? मैं मम्मा जाहिर होकर तो नहीं करता, मैं जाहिर होकर तो बोलता नहीं है, वो बोलता है लेकिन वो कैसे बोलता है? ए अम्मा मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं करूंगा। तो अम्मा मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, कर तो ये लोग रही है। तो लेकिन गाइस वो बिल्कुल गलत काम करता है उस ड्रामा में, जैसा भाई करता है इधर उधर कपड़े फेंक देंगे ऐसा, तो अम्मी भी ना उसी का साइड लेती है गलत बात का, और ना अपनी बेटी को डांटती है फजूल का। जैसे मैंने आपको डांटा है, जैसे मैंने तो फजूल का डांटा है जी मैंने, गाइस मैंने बिल्कुल नहीं रखे, मैं भाई को कपड़े उठा दी
गाइस बहरहाल ये लोग रखती रहती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है छुपके से इस खिड़की के पीछे से। मैंने उस दिन ये रख ली थी, मैंने यूं करके खोला, मैंने चेक किया, मैंने बोला अच्छा ये सीन है यहाँ, मैंने यहीं से चेक कर लिया था। नहीं मैं चेक करने जा रहा था, बाद में बोलेंगे मैं कोई कर रही हूँ, नहीं मम्मा ये लोग बोले मैं कोई, ये जो इसने बोला मतलब हमारे घर में ऐसी लैंग्वेज नहीं होती यूज, लेकिन ड्रामा में बोले थे ना मैं क्या कर रहा हूं तो ये वो वाली तरीके से मैंने बोला है। भाई मोना रखती होगी, मोना नहीं रखती, आप रखती हो। नहीं अगर मैंने कभी रखा भी होगा ना कहने पे रखा होगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं चलाती, मेरी चलती नहीं मर्जी घर में। चलो ठीक है गाइस, बहरहाल अब ये है कि हमारा कपड़े मैंने निकाल लिए है, जो निकालना था वो साइड पे रख दिया, रेडी होते हैं और कहीं जाने का प्लान है तो फिर निकलते हैं यार। फाइनली गाइस आपका भाई रेडी हो चुका है, और जैसा कि मैंने बताया था हम लोग कहीं जा रहे हैं, कंप्लीट रेडी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रेडी हुआ, और यहाँ मलाइका और रुमैसा भी रेडी है। हाय गर्ल्स, रुमैसा थोड़ी सी बिजी चल रही है, और मलाइका दिखाना था ना कैसी लग रही हो तुम। मलाइका यार बहुत अच्छी लग रही है, हमने इत्तेफाकन ट्रेनिंग की, ऐसा कोई इरादा नहीं था। वाह माशाल्लाह मम्मा सही लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, अभी हाँ मम्मा तैयार हो रही है, पीछे पापा भी रेडी हो चुके हैं। पापा ब्लैक अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक क्योंकि शर्ट आपकी ब्लैक है तो शूज भी ब्लैक के हैं। पापा भी रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो रहा हूँ, कोट पहनना है और फिर हम जाएंगे वली में। मैं सो चलते हैं फिर यार। सो गाइस मलाइका लोग निकल रहे हैं, सकीना व्हाट क्या लग रही हो सकीना। सो मलाइका रुमैसा और सकीना ये लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे मम्मा भी रेडी हो गई हैं और पापा भी रेडी हो गए। वाओ पापा क्या लग रहे हैं यार, तुम लेकर आए हो ना, मेरी तरह से पापा के लिए गिफ्ट था भाई, और पापा को बहुत सूट कर रहा है, हैंडसम लग रहे हैं पापा एज यूजुअल, आयरन ने लाकर दिया है भाई, क्या बात है यार। और मम्मा दिखाएगा, अरे भाई ट्यूनिंग कर ली आप लोगों ने तो, अरे अचानक हुआ इत्तेफाक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, समथिंग डिफरेंट प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही है मम्मा भी, और मलाइका और ऐसे लोग आप लोग जानते हैं गाइस, वो लोग तो जा चुके हैं और अब हम लोग भी जा रहे हैं वलीमे में, जो कि मेरे कज़न का वलीमा है, हमारे कज़न मेरे मामू के बेटे का वलीमा है, सो वहाँ चलते हैं और इन्जॉय कराते हैं आपको भी। और क्या चीज़ या ये कपड़े रखे हुए थे, बिखेरा रखा हुआ था, खैर चलते हैं वहाँ पे। सो गाइस आपको एक बंदे से मिलाना भूल ही गया मैं, मेरा कज़न मेरा बेस्ट फ्रेंड नजम खिलजी। वालेकुम सलाम यार, क्या मतलब है, मतलब ग्रे ब्लैक माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, और मम्मा भी ट्रेनिंग करके आई हुई है, बहुत दोनों का सेम सीन है। बिखेरे को इग्नोर करना है आप लोगों ने, बाकी आपका भाई फुल ब्लैक हुआ हुआ है जैसे मलाई को हुई है, बाकी वहाँ चलते हैं देखते हैं क्या सीन। गाइस आपका भाई पहुँच चुका है वलीमे में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बॉयज सारे मौजूद हैं, दो तो यहाँ खड़े हैं हीरो, कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सो बॉयज रेडी हो गए और हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं। ओहो क्या लग रहे हो यार, हाँ ले तो थोड़ी देर में लेता हूँ, जब बेइज्जती है। सब लोग जा रहे हैं और सब लोग यहाँ पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं यार कर रहे हैं, पूरा आप लोग देख सकते हैं सीन यहाँ गाइस। एंट्री हो रही है वलीमे में, दुल्हन दुल्हा की एंट्री हो रही है, दिखाता हूँ कैसे होगी। बॉयज सारे रेडी हैं इधर, टीम आएगा तो भाई सारे जा रहे हैं, और यहाँ वलीमा ख़त्म हो गया, छोटा सा वलीमा था, बहुत मज़ा आया, और आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। घर जाके दिखाता हूँ, शायद ये ब्लॉग यहाँ एंड करना पड़ जाए, लेकिन हो सकता है ये घर जाके भी ब्लॉग कंटिन्यू करें, सो टच में रहना है गाइस, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।